get to the airport. It's been a very good couple of hours here. I think everyone's learned a lot. I encourage you to watch the websites of the Pakistan and Canadian governments for announcements, and certainly through the Chambers of Commerce, Canada-Pakistan Chambers of Commerce. Their new website is up now. So certainly we will try and make sure as much information as possible about this event and other Canada-Pakistan opportunities appear on the website. Oh, sorry. PDAC want to say thank you for everybody coming. Just a very quick word. As I said at the beginning of this delegation's tour here in Canada, PDAC has been extremely pleased to host you all. I believe our numbers this year have exceeded 30 or 31,000. Next year, we're going to provide you with booths as... अच्छा बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया तो कनाडा के दौरे के हवाले से कुछ बताना चाहें या मैं इधर हूं हमारी पूरी टीम आई हुई है कि हम इनके कैनेडियन एयरलाइन के साथ उससे भी बायलैटरल्स करें कि हमारे जो पैसेंजर यहां से आ गए ओटावा या वैंकूवर के जाएं तो दे शुड हैव नो प्रॉब्लम नंबर वन हमारी तीन फ्लाइटें एक और भी हमें मिल गई है और मेरी कोशिश ये है कि डेली फ्लाइट हो यहां से तो उसके लिए सिलसिले में हम कल उनके मिनिस्टर से भी मिल साहबान से भी मिल रहे हैं और जैसा आपने देखा आज मांडवी वाला मिस्टर साहब जो हैं उनके वसीले से एक चीज़ उन्होंने की है कि वीज़ा ऑन अराइवल और ये बिजनेसमैन के लिए भी है और टूरिस्ट के लिए भी है जो मैं उनसे कह रहा हूँ को अनाउंस करें ताकि जो हमारे टूरिस्ट आते हैं पर्टिकुलरली सिख हजरात जो अपने नानका साहब के ज़ारत के उनके जो भी हैं रिचुअल्स के लिए आते हैं वो फैसिलिटेट करें और मैं अपने सिख भाइयों के लिए और सिख हजरात के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम उनके लिए पीआई जो है कि स्पेशल पैकेज देगी और पाकिस्तान में जो है ये कॉन्सेप्ट बड़ा चेंज भी करना मांगते हैं वी वॉन्ट टू वेलकम द पीपल वी आर नॉट फैनेटिक्स अच्छा यूसुफ जी सर जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं पीआईए की उनकी परफॉर्मेंस से आप कितना मुतमइन हैं देखिए मैं वो इंटरनेशनल फ्लाइंग इंटरनेशनल रूल्स के तहत ही चलती है इसलिए जो है अभी साफा का भी आपको पता होगा उस पर भी हम देखे आए थे वी हैव प्रॉब्लम्स क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर जो एक इंडस्ट्रियल एक्शन हुआ था पीविल हुआ था उसमें काफ़ी पीआईए को नुकसान भी हुआ बट वी आर बैक ऑन द ट्रैक अलहम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट एंड वी आर इम्प्रूविंग एंड वी आर बाइंग मोर एयरक्राफ्ट एज यू सी And inshallah, very soon you will see within this year there will be lot of changes in PI fleet. अच्छा और खबरें भी aircrafts के हवाले से हैं corruption उस पे कुछ कहना चाहें आप? मैं आपसे क्या कहूँगा इधर तो कोई भी आप सही काम करना चाहते हैं तो आप उसको corruption के अंदर डाल देते हैं बहरहाल जो news छपी थी वो आपको भी पता है मुझे भी पता है वो हमने तो legal action लिया है और Boeing वाले भी लीगल एक्शन लेंगे इस पर क्योंकि किसी पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान बात है उसे प्रूफ करें या फिर उसको हर जाना दें थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी डॉक्टर साहब दौरा कनाडा के हवाले से कुछ बताना चाहें जी ये दौरा बड़ा अच्छा रहा है और ये जैसे कि आपको पता है माइनिंग कॉन्फ्रेंस हुई है और ये माइनिंग कॉन्फ्रेंस जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज जेम स्टोन्स और जो अदर सेमी प्रेशियस मेटल्स और आयरन ओर की जो है उसकी माइनिंग के ऊपर हुई थी कोई 18 लोग आए हैं प्राइवेट उसके ऑफिशियली उसके अलावा प्राइवेट लोग भी आए हैं और ये पाकिस्तान की सबसे पहली बड़ी शराकत हुई है और अब हमने फैसला ये किया है कि अगले साल हम बूथ अपना लगाएंगे स्टॉल अपने लगाएंगे इस दफ़ा भी हमने देखा कि इंडिया का स्टॉल था और अफगानिस्तान का भी स्टॉल था लेकिन पाकिस्तान वाज अनरिप्रेजेंटेड लेकिन अब हम वी विल मेक पाकिस्तान रिप्रेजेंटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस जिसमें 30,000 जायद से लोग आते हैं और दुनिया के सारे ममालिक आते हैं डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि जो गैर मुल्की सरमायाकारी है और ख़ास तौर पर पेट्रोलियम फील्ड में वो कोई अच्छी खबरें हैं उस हवाले से जी बहुत अच्छी खबरें हैं 2012 पॉलिसी आ गई है जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में लेकिन हम क्योंकि एक इंटरनेशनल प्राइस देने को तैयार नहीं थे
पिछली चंद हुकूमतों ने गलत फैसले किए थे, अब हमने उसको करेक्शन कर दी है और इसके आपको नतायज अब नज़र आएंगे आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, आपकी वजारत जो है बड़ी मुश्किल है, कैसा लगता है जब प्राइस बढ़ती है, लोग एहतजाज करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं फिर उस? जी ये तो आप लोगों का काम है लोगों को समझाना, ये तो इंटरनेशनल प्राइस है, यहाँ बढ़ती है, जैसे आपको यहाँ लगता है कि बढ़ती है वैसे पाकिस्तान में भी बढ़ती है, जब इंटरनेशनली बढ़ती है इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब लोग एहतजाज करते हैं तो क्या आप जवाब देते हैं, या जब आप पब्लिक मीटिंग्स में जाते हैं तो क्या आपका जवाब होता है? जी कोशिश करते हैं कि उसको मिनिमम टैक्स हो, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टैक्स है, लेकिन बहरहाल हुकूमतों को भी सर्वाइव करना है और प्राइसेस भी हमारी कंट्रोल में नहीं है, तो समझा ही सकते हैं बेसिकली कि एक रीज़नेबल मिडल ऑफ द रोड रास्ता लें और उस पर चलें। डॉक्टर साहब, जो एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में, आप समझते हैं कि जो आपकी हुकूमत की पॉलिसियां हैं वो उस एनर्जी क्राइसिस को काबू कर लेंगे? मैं ये समझता हूं कि हमारी एनर्जी क्राइसिस एज इट इज़ जनरेशन की नहीं है, हम जनरेट कर सकते हैं और इस साल तक सिर्फ गैस के ऊपर हम 18,000 मेगावाट बाय द एंड ऑफ द ईयर जनरेट करने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फर्नेस ऑयल और जो अब इम्पोर्टेड गैस आएगी इतनी महंगी होगी कि द पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट, तो वी विल हैव टू फाइंड अ वे कि जहाँ से हम इसको सब्सिडी दे सकें, तो पर से जनरेशन प्रॉब्लम है नहीं, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द पीपल टू पे फॉर इट है। डॉक्टर साहब, जो CNG स्टेशन मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ दिन बंद होते हैं तो लोगों का तो वही तासर होता है कि हुकूमत ठीक काम नहीं कर रही, तो कोई ऐसा आपकी वजारत ने ऐसा काम किया है कि लोगों को मुतमिन करें कि किस वजह से ये बंद होते हैं? जी देखें, पाकिस्तान की टोटल जो है गैस प्रोडक्शन 4 BCF है और हमारी रिक्वायरमेंट 8 BCF, और गैस ओवरनाइट नहीं आ सकती, और अगर बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं तो वही गैस जो है पेट्रोल से महंगी हो जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि जब चीज़ है ही नहीं तो उसको हम इस्तेमाल क्या करेंगे, और ये मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि ये माजी की हुकूमतों की CNG इतनी फ्री अलाउ करके और फिर उसको सब्सिडाइज कॉस्ट देने में वाज नॉट अ वाइज डिसीजन, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। और दूसरा ये है कि जो ईरान आपका दौरा है मुजवजा, उसके बारे में कुछ बताना चाहें? जी ईरान के साथ अभी हम काम कर रहे हैं और उनसे जो बिज़नेस टर्म्स हैं उनको ठीक कर रहे हैं और इट्स ऑल ऑन द लाइन एंड वी आर वेटिंग के जो इंटरनेशनल वर्ल्ड कम्युनिटी इसके बारे में क्या रवैया रखती है। तेहरान का दौरा करने वाले हैं आप, कोई डेट तय हुई? मेरी टीम जा रही है मिडल ऑफ दिस मंथ। डॉक्टर साहब, सिर्फ आखिरी वही सवाल के जब लोग सड़क पे आ जाते हैं और फिर आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल, वो कहते हैं जी इंटरनेशनल लेवल पर इतना महंगा नहीं होता जितना पाकिस्तान की हुकूमत महंगा कर देती है, और बेरोज़गारी महंगाई उसमें कि जो पेट्रोल बॉम्ब का एक नया वर्ड आया है, तो फिर आपका क्या जवाब होता है? ये पेट्रोल बॉम्ब का लफ्ज़ जो है ये हमारे मीडिया ने कॉइन किया हुआ है और मैं बिल्कुल इसकी तरदीद करता हूँ कि इसके अंदर कोई छुपे हुए पैसे फैक्टर इन किए जाते हैं, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला है जिसके तहत ये कैलकुलेट करते हैं और हर आदमी इसको कैलकुलेट कर सकता है, और मैंने ये फॉर्मूला बिल्कुल बता भी दिया है लोगों को, और हर चीज़ इंटरनेशनल प्राइस से ही चलती है और वैसे ही पाकिस्तान चलेगा। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है, जो रिकोडिक का प्रोजेक्ट है, आपकी मुलाकात हुई यहाँ पे गोल्ड बैरक वालों से, या अभी आप क्या समझते हैं कि उस केस का क्या फाइनल होगा? बैरक गोल्ड से हमारी बात हुई, बैरक गोल्ड का एक अपनी पोजिशन है और हुकूमत बलूचिस्तान की एक अपनी पोजीशन है, और वो सुप्रीम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन उन्होंने इन्वोक की है, और मेरा ख्याल है कि हम वेट करें कि इसका जो इसकी आर्बिट्रेशन का रिज़ल्ट क्या आता है, तो उसके बाद ही फैसला होगा। थैंक यू।